इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जयपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। 1 मार्च से यात्री बसों के पहिए फिर थम सकते हैं। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर अड़े बस ऑपरेटर्स ने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में बैठक कर हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। 25 फरवरी को ISBT में बस हड़ताल की घोषणा कर दी जाएगी। ISBT बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सचिव वीरेंद्र साहू ने बताया कि ISBT बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि किराया बढ़ाने की मांग को लेकर बसों के पहिए जाम किए जाएं। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मांग को लेकर युवक कांग्रेस द्वारा कल सिविक सेंटर में एक जंगी सभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष जितिन राज ने बताया कि सभा के बाद युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान आंदोलन के समर्थन में कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने जाएंगे। 24 फरवरी को युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीवी निवास जी एवं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रांत भूरिया जी और जबलपुर जोन के प्रभारी अंकित डेला जी के नेतृत्व में सिविक सेंटर में एक विशाल सभा का आयोजन है। उसके बाद हम कृषि काला कानून, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इस आयोजन के लिए हम युवक कांग्रेस के सभी साथी काले कपड़े पहन के अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना अनूठा एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें हमारे सभी युवक कांग्रेस साथी और हमारे सभी नेता काले कपड़े पहनेंगे और कलेक्ट्रेट घेराव के लिए पूछेंगे। RTO के अमले द्वारा शहर में ओवरलोड वाहनों की जाँच के दौरान अब यातायात पुलिस भी ओवरलोड वाहनों के रोकने के लिए मैदान उतर आई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में आज यातायात पुलिस ने ओवरलोड और बिना परमिट के सड़कों पर धमाचौकड़ी मचा रहे वाहनों की जांच की। इस दौरान कई ओवरलोड वाहनों का चालान किया और कुछ वाहनों को जब्त कर थाने भी भेज दिया। यातायात पर कार्रवाई हो रही है, उसका हाईकोर्ट के भी आदेश आए हैं कि जो बिना परमिट के वाहन चला रहे हैं, क्षमता से अधिक सवारी ओवरलोडिंग बिठाल रहे हैं, किसी ने पटिया लगा लिए हैं, कोई ड्राइवर की सीट में बगल सवारी में बिठा रहे हैं, उनका चालान बनाया जा रहा है। जो बिना परमिट के ऑटो चला रहे हैं उनका हम न्यायालय के चालान बना रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कम से कम 30 ऑटो चेक कर लिए हैं, कुछ की रसीदें काटी हैं, कुछ का न्यायालय पकड़ने के लिए जब्त करके रखे हुए हैं। देश में पिछले साल से कोरोना संक्रमण के चलते सभी प्रकार के व्यापार को नुकसान पहुंचा है। महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों को हुआ है। कैब चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले वाहन चालकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिला है। जबलपुर के सिविक सेंटर में पिछले 4 दिनों से कैब टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना के पहले ओला कंपनी जो मिनिमम बिजनेस ग्रांट का प्लान देती थी, उस प्लान को अब बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 5.5 साल से जिस तरीके से ओला ने शोषण करा, ये सबके सामने है, सार्वजनिक है। जिस तरीके से जो ड्राइवर चालक साथी हैं उनके इंसेंटिव दिन पर दिन कम करते गए, उनके कमीशन कम करते गए, उनके ऊपर अनाप शनाप पेनाल्टियाँ लगा दी गई, जिसकी उनको जानकारी भी नहीं दी जाती है कि इनको किस कारण से पेनाल्टी लगाई गई। बीच में कोरोना काल आया, कोरोना काल का बहाना लेते हुए, लॉकडाउन का बहाना लेते हुए इनके इंसेंटिव समाप्त कर दिए गए, कमीशन को कम कर दिया गया। तमाम जिस तरीके से भी इनका शोषण कर सकते थे ओला कंपनी ने करा। 18 तारीख से ये ड्राइवर साथी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी जायज़ मांगों को लेकर अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं। आज छठवा दिन है और आज दिन तक कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया है। आज कांग्रेस पार्टी ने इनके आंदोलन को समर्थन दिया है। इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर जबलपुर स्तर पर हम लोग चलाने जा रहे हैं और ओला कंपनी को हम लोग यहाँ से संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर इन ड्राइवरों का शोषण होगा तो आप अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखें, जबलपुर में आपकी रेंटल सर्विस को हम लोग चलने नहीं देंगे। मदन महल अंडरब्रिज मार्ग एक बार फिर आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ब्रिज के दोनों ओर के बाधक हटाए गए और अब यहां से वाहन निकल रहे हैं। खासतौर से मदन महल अंडरब्रिज के दोनों ओर रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली जो 83 दिन से परेशान थे। उन्हें इस पार से उस पार तक जाने के लिए कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शास्त्री ब्रिज और गुलगुआ ओवरब्रिज पर भी यातायात का दबाव कम हुआ है। शहर के बीचों बीच स्थित अति व्यस्त मदन महल अंडरब्रिज मार्ग पर 1 दिसंबर से रेलवे द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण बंद था। छात्रों से तय फीस से अधिक लेना शिक्षण संस्थानों को महंगा पड़ेगा। उन्हें ब्याज के साथ ज्यादा ली गई राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी ने जबलपुर के सुख सागर मेडिकल कॉलेज को छात्रों की फीस लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसमें 120 छात्र शामिल हैं। गौरतलब है कि सुख सागर मेडिकल कॉलेज पहले ही अनेक तरह के वादों में घिरा हुआ है। हालांकि कोरोना के पीक के दौरान इस कॉलेज में आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया था। इस कॉलेज का संचालन शहर के एक रसूखदार बिल्डर के द्वारा किया जाता है। बिल्डर के समधी भाजपा के पूर्व विधायक है। हम यहाँ सुबह 9 बजे से खड़े हुए हैं। यहाँ में कॉलेज प्रशासन द्वारा अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बाउंसर खड़े करके रखे हैं ताकि हम अंदर न जा पाए।
जैसा कि हम जानते हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करी है, या हमें जानबूझकर जाने के लिए रोका जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ हम 9 बजे से यहाँ खड़े हैं, ना कॉलेज प्रशासन हमारी तरफ देख रहा है, ना और कोई देख रहा है, ना हम बिल्कुल अंधेरे में जान दिया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेलखेड़ा पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस वालों ने 10 साल के लड़के को इतना मारा कि उसके कान के पर्दे फट गए। वह बोलता रहा कि मैं बेगुनाह हूं, फिर भी उसे नहीं छोड़ा। मोबाइल उसके दोस्त ने रखने के लिए दिया है। परिवार के लोग बचाने पहुंचे तो उन्हें भी भद्दी भद्दी गाली दी और मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित परिवार बेटे को लेकर आज SP की जनसुनवाई में गुहार लगाने पहुंचा। पुलिस वाले आए, मेरे को पीटा, मुझे कम सुनाई देता है, बहुत मारा था पुलिस वाले। ये स्कूल गया था पेपर देने, तो वहाँ इसके साथ वाले मिले, तो इसके साथ वालों के साथ ही चला गया, तो उनने से मोबाइल दिया और ये घर ले आया। लोकेशन से पता चल गया, तो इसे बहुत मारा और मुझे भी। संजीवनी नगर में कल दिन दहाड़े गैस एजेंसी संचालक के बेटे के अपहरण की कोशिश की गई। 17 वर्षीय किशोर के सूझबूझ और माँ के शोर मचाने के चलते 5 अपहरणकर्ता अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने इस मामले में तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। अपहरण का असफल प्रयास करने वाले किशोर के घर उसकी सेकेंड हैंड 4 पहिया वाहन खरीदने के बहाने पहुंचे थे। किशोर आरोपियों को बाहर तक छोड़ने गया, उसी दौरान आरोपियों ने उसे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन छत पर मौजूद उसकी माँ और एक होमगार्ड सैनिक के शोर मचाने पर उन्हें भागना पड़ा। के बीच थाना संजीवनी नगर अंतर्गत धनवंतरी नगर क्षेत्र में एक 17 वर्षीय बालक के अपहरण का प्रयास हुआ था, जिसको कि महज करीबन 16 से 18 घंटे में जबलपुर पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। इसमें 6 आरोपी थे, जिनकी 4 की गिरफ्तारी हो गई है। कुल मिलाकर के इसमें जो कारण पीछे निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी थे लकी सिंह, इनका एक गैस एजेंसी थी जिसमें इनको लॉकडाउन के टाइम पे इनको करीबन 5 लाख का घाटा हो गया था, और जिसके फलस्वरूप इनको अपना मकान भी जो है वो गिरवी रखना पड़ा था, इनके पिताजी का जो मकान था। इनके पिताजी जिस बालक का अपहरण का प्रयास हुआ था उनके पिता के यहाँ कार्यरत थे, और बालक के जो घर था उसमें पिताजी एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है बेचना चाह रहे थे। शासकीय कामकाज में लापरवाही बरतने के आरोप में पाटन क्षेत्र के 2 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। SDM आशीष पांडे और तहसीलदार के निर्देश पर एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया, दूसरे के खिलाफ 3 दिन के वेतन कटौती की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने, बैठक में अनुपस्थित रहने और लापरवाही पर राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी में पदस्थ पटवारी दीपक राकेश को निलंबित किया गया। वहीं पटवारी महेश तिवारी के खिलाफ तहसीलदार पाटन ने वेतन कटौती के निर्देश दिए। जबलपुर जिले के जनपद पंचायत मंझौली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एकत्रित होकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी शिकायत बार बार की जा रही है, पर जनपद पंचायत मंझौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आज तक जांच हुई ना ही कार्रवाई। इसलिए आज हम ग्रामवासियों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव तिवारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि राजीव तिवारी द्वारा ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मेरे वार्ड नंबर 11 की कुलिया आप जाके गए होते इतना कीचड़, 2 फुट कीचड़ मकान का बताओ, और वहाँ मैंने कई बार शिकायत की। अभी किशोर जी आए थे तो राजीव तिवारी को गुनाम हो बुलाए थे, बोले आप जाके कोई भी रास्ते में न पानी मिले, बहना मिले न कीचड़ होना चाहिए। यदि पानी का है तो गड्ढा की पकड़ करें, जब कीचड़ है उसका नाली बना के उसका उपयोग करें। आज तक राजीव तिवारी आज 2 महीने 3 महीने आज तक कुछ नहीं हुआ, लोहा की साफ सफाई हुई।
गरीबन ने हमारी झोपड़ी चल के देख लियो, हमारा कोई करने वाला है नहीं। हमारे पास आगे पीछे कोई मकान नहीं मिला आपको? कौन से गांव से ना है? नाम नहीं मिला। डाले कितने दिन हो गए आपको? हमारे ग्राम मोहनिया में शमशान घाट की कमी, मान के चलो मुझे घर मकान नहीं आ रहे हैं, और भी समस्या जे काम रोजगार का चालू दो चार पाँच साल में हुआ तो वही काम करे जैसे तैसे महीना सवा महीना, अभी तो वो पैसा भी नहीं आ रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।